अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से गया भाई पानी, और इतना सारा पानी गया हुआ ना, और गाड़ी चल रही तो आवाज कर रहा है वो, पूरा पानी की आवाज आ रही है, पूरी गाड़ी गाड़ी चल रही है पानी की आवाज आ रही है। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और फिलहाल मैं उठ गया हूँ, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली से हम जाएंगे कहीं और बहुत दूर, तो ये बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है मेरी। अभी नुतारा कहाँ पे तो वो आप देखना, फिलहाल आज तो हम दिल्ली रुकेंगे, तो मैं, शुभम और साहिल हम तीन जने जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे गाड़ी में, फिर वहाँ से शायद फ्लाइट में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, तो गेस करना हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो फिलहाल अभी मैं जल्दी से नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, साहिल को उठाता हूँ, और पैकिंग भी करनी है भाई। प्लान तो है 5 बजे तक निकलने का, लेकिन 5 बजे लेट ही हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में तो नहाना धोना पैकिंग सब नहीं हो पाएगा। मेरे को तो भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। और हाँ, सुबह सुबह मैं इसलिए जा रहा हूँ, बिकॉज सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अगर दिन में हम निकले ना बहुत ट्रैफिक मिलेगा। दिन में हम चलेंगे, फिर हम शाम को रात को पहुंचेंगे दिल्ली, इससे बड़े सुबह सुबह निकलो, और दिन में अराउंड 10-11 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। वैसे आज दिल्ली रुकना है, लेकिन दिल्ली में भी घूम लेंगे, दिल्ली का खाना खा लेंगे। तो हाँ, जल्दी सुबह सुबह निकलने में फ़ायदा है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी से मैं शुभम को फ़ोन करता हूँ और साहिल को उठाता हूँ। अभी फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार, साहिल को भी फ़ोन ही करता हूँ, नहीं तो और सब उठ जाएंगे बाहर गया तो मैं। हे सीरी कॉल साहिल। हेलो, मैं कह रहा हूँ 4 बज गए, उठ जा, 5-5:30 बजे तक निकलेंगे ना। चलो साहिल तो उठ गया। तो भी गाइस फिलहाल मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ, और फिलहाल पैकिंग करते हैं, साहिल नहा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ कुछ 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के कपड़े चाहिए अपने को। तो कपड़े मैंने चूज कर लिए हैं, ये 2-3 जीन्स हैं, 2 लोअर हैं, बाकी टी शर्ट्स और शर्ट्स हैं। तो 10 दिन के लिए इतने कपड़े काफ़ी हैं। ड्रोन का बैग डाल लेता हूँ। तो कपड़े तो हो गए, अब बारी है इन सब की, ये सारे कैमरा, बैटरी, चार्जर वार्जर सब कुछ, ये सब पैक करना है। तो इसको डाल लेंगे इस बैग में, इस बैग में सब आ जाएगा। तो अभी 5 बजने वाले और मैं तो फुली रेडी हो गया, पैकिंग भी हो गई, नहा धोना सब कुछ हो गया। तो अभी साहिल और शुभम लगाएंगे टाइम, तो हम शायद 6 बजे तक ही जाएंगे, बिकॉज 5 तो बज चुके हैं। अभी शुभम अपने घर से भी आएगा, तो 6 बज जाएंगे, मैं तो रेडी हो गया देखो। तो अभी गई 5:30 बज चुके हैं, और मैं जा रहा हूँ शुभम को लेने के लिए, बिकॉज बारिश हो रही है तो वो खुद नहीं आ पाएगा स्कूटी में, तो चलो उसको लेके आते हैं। तो पापा जी भी उठ गए, मम्मी जी भी उठ गए, लेकिन कुनाली सो रहा है यहाँ पे, दिव्यांश भी उठ गया है, और ये सबसे पहले उठता है, और ये बाय, और ये चाची भी उठ गए, चाची भी उठ गए, बाय चाची। पीयूष नहीं उठा, पीयूष सो रहा है अपना, चलो सो जा सो जा। तो चलो साहिल भी रेडी हो गए, अब चलते हैं शुभम के घर पे, शुभम को पिक करते हैं। तो जाने से पहले तिलक लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है मम्मी जी, ध्यान से जाएंगे, टेंशन मत लो, ध्यान से जाएंगे, ध्यान। ओके, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर साथ में चलना, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर साथ में चलना, तेरे को चलना है, चलना तेरे को, चलेगा। ठीक है दादी, चाची अच्छी। तो सारा सामान डाल दे गाड़ी में, ये मेरा बैग, ये साहिल का बैग, इसमें शायद जूते वूते रखे होंगे उसने। चलो चलो अब चलते हैं, 6 बजने वाले भाई, बाय। पीयूष और कुणाल को बाय बोल देना, बारिश तो हो ही रही है, रोड मस्त धुल गई है, देखो कितनी मस्त चमक रही है रोड। तो अभी पहुंच गए शुभम के घर, उसका वेट कर रहे हैं, वो आएगा यहीं पे। फिलहाल गाड़ी यहाँ खड़ी है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में गाइस, गाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बारिश से, पता नहीं कैसे हुआ भाई, इसके दरवाजे में पानी भर गया भाई, इसके इस दरवाजे में पानी भर गया, हिलाई हो रे भाई, पूरा पानी भरा हुआ है इस दरवाजे में। ऐसा कैसे हो सकता है यार, दरवाजे में पानी कैसे भर सकता है यार भाई, यहाँ से गया होगा ना, यहाँ से पता नहीं कहाँ से गया यार पानी, अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से गया भाई पानी, और इतना सारा पानी गया हुआ ना, और गाड़ी चल रही तो आवाज कर रहा है वो, पूरा पानी की आवाज आ रही है, पूरी गाड़ी गाड़ी चल रही है पानी की आवाज आ रही है भाई, गाड़ी के डोर के अंदर कैसे पानी भर सकता है भाई, इतना सारा पानी जो कि आवाज कर रहा है बहुत तेज तेज, अब गाड़ी चला रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ तो आवाज ही आ रही है, पानी की आवाज आ रही है। लैब एक और नई टेंशन आ गई है, चलो देखते हैं क्या करना है, फिलहाल तो शुभम का वेट कर रहे हैं हम। गाइस मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, गाड़ी के डोर में भी पानी जा सकता है, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा केस में, वो भी अपनी गाड़ी में, वो पानी निकलवाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे निकलेगा, टोयोटा में देनी पड़ेगी, हमको जाना दिल्ली, हमने तो अभी भी नोटिस किया, वैसे आवाज तो काफी टाइम से आ रही थी, हमको पानी की बोतल की आवाज होगी, लेकिन पानी की बोतल थी नहीं, मतलब पानी की बोतल है नहीं गाड़ी में, फिर पानी की आवाज कहाँ से आ रही है, फिर चेक करा, फिर भी समझ में नहीं आया, फिर हमने ना डोर को हिला के देखा, डोर में से आवाज आ रही है भाई, अराउंड 2 लीटर पानी होगा। आ गया फाइनली, अबे दिक्कत होगी यार, क्या होगी दिक्कत, गाड़ी के डोर में पानी भर गया, डोर में पानी भर गया, हाँ ऐसा भी होता है क्या, पता नहीं यार, मेरे को भी पता नहीं था, मैंने पहली बार देखा आज, क्या इसमें भी है, ये देख अबे इसमें भी है, इसमें चेक करते हैं भाई। तो अभी तो गाइस हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली जाके टोयोटा दिखा लेंगे, सारा पानी निकलवा लेंगे इसका, रोड देखो बिल्कुल खाली रोड है, क्योंकि सुबह सुबह हम निकल गए ना, 268 किलोमीटर 5 घंटे लगेंगे हमको, सुबह इतनी जल्दी निकलने के बावजूद हम 12 बजे पहुंचेंगे, और पहुंच के हम गाड़ी ठीक कराएंगे। तो अभी गाइस फिर से रिपोर्ट हो गया, हम रुके थे सब्वे पे कुछ खाने के लिए, ये कह रहे कि अभी चालू नहीं है, हम सुबह सुबह 7 बजे आ रहे हैं। तो चलो फिलहाल चलते हैं, ये सब तो बंद पड़े। तो
तो सबवे तो बंद पड़ा था, अब देखते हैं कहीं और कुछ मिलता है तो खाने के लिए। भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है। तो अभी रुके हैं डीजल भरवाने के लिए, डीजल फुल कराते हैं और चलते हैं। तो अभी गाइस एक और दिक्कत हो गई है, देखो 11 बज गए अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। अभी भी देखो, अभी भी दिखा रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे, 109 किलोमीटर है बाहर, देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहा है। तो गाइस आज तो बहुत बहुत बुरा फंसे हम एक ही जगह पे खड़े हैं इतनी देर से। विंडो खोल के दिखाता हूं आपको, ये देखो भाई सारी गाड़ियां खड़ी हैं, इधर भी गाड़ियां खड़ी हैं, इधर भी गाड़ियां खड़ी हैं, इधर भी गाड़ियां। तो फाइनली गाइस दिल्ली पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 27 किलोमीटर रह गया। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं दिल्ली, गाड़ी यहां पार्क कर दी हमने, तो चलो अब चलते हैं। तो अभी हम आए हैं पारस भैया घर पे एज यूजुअल, जहाँ पे हमेशा आते हैं। पूरे 2:02 हो गए भाई, आज दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे लगे, सुबह 6 बजे निकले थे, अब 2 बजे देखो अब पहुंचे हम, 8 घंटे से ड्राइव कर रहे थे और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सामान रखते हैं रूम पे और कुछ खाने जाएंगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। फाइनली अब तो बस दिमाग में खाना खाना आ रहा है, बिकॉज बहुत बहुत पेट में ना चूहे कूद रहे मेरे। तो फाइनली खाना आ चुका है, खाना मैंने ऑर्डर कर लिया था, राजमा चावल साथ में रसमलाई भी है, सैलेड भी दिया है। अरे चावल तो कम है भाई, राजमा ठीक है। तो गाइस ये कुछ इतने राजमा चावल आए हैं, देखो देखने में तो मस्त लग रहे हैं, तो हम एक ही में से खा लेंगे दोनों भाई। तो गाइस ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन चाइना और ये है टॉय गन। लास्ट टाइम ब्लॉग में देखी थी तो लोग सोच रहे थे यार तुम्हारे पास गन कहाँ से आई, यहीं पे मैं आया था ना, तो ये टॉय गन है, ये कोई रियल गन नहीं है देखो। लेकिन मम्मी जैसे नहीं, जैसे भी है मम्मी के तो बेस्ट होते हैं, मम्मी के बेस्ट होते हैं। अब चलते हैं गाइड ठीक कराने, वो तो भूल ही गए थे यार, तो चलो खुद ट्राई करते हैं निकालने की। मैंने फोन किया था टोयोटा में, वो कह रहे थे कि तुम खुद भी निकाल सकते हो उसका पानी नीचे से खोल के, तो देखते हैं खुद निकलता है तो नहीं तो टोयोटा ले जाएंगे। कौन सा डोर था, ये वाला डोर था ना, अरे ये था यार, अरे यार ये निकालना था, देख ये निकालना था, ये हो गया, निकल गया। बहुत कितना पानी था, देखना टोयोटा वाले ने सही बताया था कि निकल जाएगा खुद से, और निकल रहा है, अब मुझे शोरूम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब खुद ही निकल रहा है भाई। बहुत सारा है, इस साइड भी है क्या, खींचे वो भाई, इस साइड भी है गाइस, दोनों साइड पानी भरा हुआ था। मैं तो परेशान हो गया था, मुझे लग रहा था कि पूरा खोलना पड़ेगा तब पानी निकलेगा, लेकिन हाँ उन्होंने बताया मुझे कि मुझे देखो बस ये हटाना था। हेलो हाय, कैसे हो, बढ़िया, आप कैसे हो भाई, कितना सारा पानी निकला, देखो हाँ इस साइड कम निकला। देखो भाई कहाँ जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं ना, तो गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो, पैदल चलते हैं, मॉल तो पैदल चलते हैं यार, थोड़ा पैदल भी घूमना चाहिए यार। चलो फाइनली एक टेंशन तो खत्म, गाड़ी का पानी निकल गया सारा, अब हम जा रहे हैं मॉल तक, गाड़ी पीछे खड़ी, पैदल ही जा रहे हैं मॉल तक, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लेंगे लॉन्ग ट्रिप के लिए, थोड़ा बहुत घूम लेंगे मॉल में। और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, तो अभी डोल रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे पैदल। गाइस आई लव दिल्ली यार, दिल्ली में आके इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मेरा मन करता है यहीं रहने का, मस्त और क्या, मस्त है दिल्ली, मस्त है गाइस। तो भी गाइस मॉल तो पहुंच गए और अभी हम जा रहे हैं ज़ारा, 700 kg ऑफ स्क्रैप मेटल, पूरा मेटल से बना हुआ देखो। तो गाइस यहाँ तो मस्त मस्त कपड़े मिल रहे हैं देखो भाई, एकदम रंग बिरंगे अलग अलग ही टाइप की टी शर्ट्स मिल रही हैं, तो मैंने 2 टी शर्ट्स लिए हैं, मेरी ज़ारा की फर्स्ट शॉपिंग। गाइस यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, तो हम सारे ट्राई करेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं लेकिन देखेंगे सारे। तो अब जा रहे हैं ऊपर कुछ खाने के लिए, पिछले 1 घंटे से हम यहीं पे डोल रहे हैं। तो अभी हम आए हैं बिरयानी ब्लूज, चलो पुलाव बिरयानी आ गई अपनी, ये देखो बिल्कुल सिंपल है ये, साथ में दही मिला है, तो चलो अब चलते हैं सीधा। तो अभी मॉल से निकल गए, शॉपिंग कर लिया, थोड़ा बहुत घूम लिया है और खाना पीना भी हो गया, और बाहर हो रही है बारिश, लेकिन काफी मजा आया मॉल में, हम काफी देर घूमे, सब्सक्राइबर से मिले, तो अभी हमको हमारे एक भैया मिले, ये देखो हमको छाता दिया इन्होंने, थैंक यू। बारिश हो रही है इसलिए हम पैदल नहीं जा रहे, हमने रिक्शा ले लिया, तो आज दिल्ली की बारिश भी देख ली हमने, बड़े बड़े शहरों में आके मजा आता है। ये देखो अंकल जी ने क्या जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे, तो बचाना हाँ। तो अब फिलहाल मैं बनाता हूँ चाय, बिकॉज सुबह से चाय नहीं पी, हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है मेरे। तो भाई चाय अपनी रेडी है, तो अब फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और इस व्लॉग करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, आज तो हम दिल्ली आए हैं, कल हम दिल्ली से निकलने वाले हैं कहीं और, तो गेस करना कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी ट्रिप है, तो हाँ बस विश मी लक, और अब मैं फिर जल्दी से एडिटिंग करके फिर सोऊंगा, बिकॉज कल भी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, मैं सुबह 4 बजे उठाऊँ भाई, तो आज थक भी गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो हाँ बस मैं तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ यार, तो क्या पता नींद भी ना आए मुझे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब जाके भूत कह रहा हूँ।
up my ears.